मिस्टर रंजीत सिंह, अप्रिशिएबल, बहुत अच्छा रिकॉर्ड है तुम्हारा। बल्कि कहा जाए तो इस जॉब के लिए हमें तुम्हारा जैसे ही कैंडिडेट की ज़रूरत थी। बट इस जॉब के लिए तुम्हें वो बिंदी तो उतारनी पड़ेगी, अदरवाइज़ मुझे तुम्हें रिजेक्ट करना पड़ सकता है। सर, ये बिंदी तो अब मेरे लाइफ का एक हिस्सा बन चुका है, सो अब शायद मुझे जॉब के लिए कहीं और ही ट्राई करना पड़ेगा। ओके, एज यू विश, यू मे लीव नाउ। ओके, थैंक यू सर। आपके इस बिंदी की वजह से तो हम हमारे कंपनी का रेपुटेशन खराब करना नहीं चाहेंगे। ओके, थैंक यू सर। चार फरवरी 2017, ये तारीख मेरी ज़िंदगी का एक छोटा सा टर्निंग पॉइंट था। ये है डॉक्टर मेहता। मेरी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी तो इन्हीं के साथ बीती है। रंजीत, तुम्हारा कैंसर सेल धीरे धीरे एक्सपैंड होते होते अब तुम्हारे ब्रेन तक पहुंच चुका है, और तुम्हारी लाइफ स्पैन कितनी बची है इस बारे में कोई भी रिपोर्ट अब तक पता नहीं चल पाई है। फिलहाल के लिए तुम ये 11 महीने का डोज कंप्लीट करो, तभी मैं तुम्हारे बारे में कुछ बता पाऊंगा। ओके मेहता जी, ये तो होना ही था ना एक ना एक दिन। चलिए, अब इस कम समय में बहुत कुछ करना बाकी है। मैं निकलता हूँ। इसके बारे में तो बताना भूल ही गया। ये है मेरी प्यारी बिंदी। अब इसके बारे में जानना हो तो हमें थोड़ा और पीछे जाना पड़ेगा। सर्दी का महीना था और मैं रोज की तरह टपरी के पास बैठकर चाय पी रहा था। उस दिन पहली बार मैंने उसे वहां देखा। उसे देख के लगा नहीं कि वो सही जगह में है।
उसकी आंखों को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह बहुत कुछ कहना चाह रही हो पर कह नहीं पा रही। कुछ तो ऐसा था जो मुझे वहां उसे उस हालत में छोड़ के जाने से रोक रहा था। जब वो पहली बार घर आई तब वो घर के चारों ओर घूम के अच्छे से देखने लगी। मैंने कभी भी उसके अतीत के बारे में जानने की कोशिश नहीं की क्योंकि मैं जानता था कि हर गुजरी हुई यादें अच्छी नहीं होती। कुछ तो डर और हिचकिचाहट अभी भी था उसके अंदर, पर मैं उसे भरोसा दिलाने की पूरी कोशिश में था। बस कुछ ही पल के अंदर वो घर के माहौल में घुल मिल चुकी थी। अरे ये क्या कर रही हो? लाओ मैं दिखाता हूं। ये सिर्फ लड़कियां ही लगाती है, लड़के बिंदी नहीं लगाते। चल ठीक है, आज से मैं भी बिंदी लगाऊंगा। अच्छा ये बता तेरा नाम क्या है? चल ठीक है, आज से तेरा नाम बिंदी। कहते हैं जिंदगी में सब कुछ पहले से ही लिखा होता है। बिंदी के साथ दिन गुजरते गुजरते उसके साथ मुझे एक अपनापन सा लगने लगा था। एक साल कितना जल्दी बीत गया पता ही नहीं चला। ऐसा लगता था कि कुछ महीने ही बीते हों। सुबह उठते ही उसका मासूम सा चेहरा देखने को मिलता था, फिर ऑफिस जाते वक्त उसकी प्यारी सी मुस्कान, और फिर शाम को घर आते वक्त उसकी कुछ आढ़ी टेढ़ी सी हरकतें। ऐसे ही दिन बीतते गए, महीने बीतते गए, पर अंदर ही अंदर मुझे इस बात की चिंता थी कि मेरे जाने के बाद बिंदी का ख्याल कौन रखेगा। रविवार का दिन था। उस रात मैं थोड़ा देर से सोया था। टीवी देखते देखते अचानक मेरी आंख लग गई और गलती से टीवी चालू ही रह गई। बिंदी को उस दिन थोड़ा सा बुखार था, पर मुझे सोता देखकर शायद वो मेरे लिए कुछ खाना बनाना चाहती थी। मैं उसे किचन रूम में जाने को बार बार मना करता था।
बिंदी, 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 बोला था ना जिंदगी में सब कुछ पहले से ही लिखा होता है। चौदह फरवरी 2019, शायद आज मेरा आखिरी दिन था। डॉक्टर मेहता को मैंने ये सब नहीं बताया था क्योंकि जाते जाते मैं उनके चेहरे पे दुख नहीं देखना चाहता था। आज सुबह से शाम तक मैं बहुत सारे लोगों से मिला, सभी से मिलके मुझे बहुत खुशी मिली। मुझे इस दुनिया से जाने का कोई गम नहीं है, पर सिर्फ अफसोस इस बात का है कि यदि ज़िंदगी मुझे थोड़ा और वक्त देती तो शायद मैं कुछ और उदास चेहरों पे हंसी ला सकता था।